गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर 6 देखने वाले हैं। चैप्टर 6 क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। सो लाइंस और एंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, बराबर कुछ बेसिक टर्म्स बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट के पहले लाइन तो मालूम होना चाहिए। आपने देखा होगा ये लाइन होता है स्टूडेंट्स, दोनों साइड एरो लगा है, इसका मतलब होता है दोनों साइड इन्फिनिटी है, मतलब नॉन स्टॉप है। अगर उसमें से बीच में से कट करके एक पीस निकालेंगे तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, मतलब ये टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक पॉइंट पर। दोनों में ये डिफरेंस है, ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रे। रे क्या होता है? रे में कल एक डायरेक्शन पर इन्फिनिटी होता है, एक टर्मिनेट होता है, एक ख़त्म हो जाता है पॉइंट स्टॉप, बराबर यहाँ पर स्टॉप है और एक जगह पे एरो पे। ओके, दोनों जगह से जगह एक साइड पे एरो रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग रे। तो तीनों का सिंबल क्या आता है? लाइन का सिंबल ये है, लाइन सेगमेंट का और ये रे का है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन का जो लेटर्स जो इंडिकेट द सिंबल स्मॉल लेटर में होता है। ओके, सपोज मान लो ये लाइन है, इसको इंडिकेट करना है तो स्मॉल एल में लिख सकते हो, एम में लिख सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन पर तीन नहीं तो तीन से अधिक, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन, तीन और तीन से अधिक पॉइंट अगर एक लाइन पर रहते हैं, ये पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अब नॉन कोलिनियर इसको अपोजिट है, बराबर एक लाइन पे है, सपोज ले लेते दो पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये तीनों क्या हुआ? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कोलिनियर का अपोजिट मालूम पड़ गया होगा कोलिनियर का। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अपना उतना नीड तो नहीं है। अब मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं हम लोग। यहाँ पर एंगल्स आर्म्स वर्टेक्स, सपोज मान लेते हैं, बराबर ये लीटी एक जो है इसको मैं काट के निकालूंगा तो रे बनेगा, इसको भी निकाल के मैं लगाऊंगा तो रे बनेगा, और ये एक साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्म बोलते हैं। ओके, जो दो आर्म से, ओके, और एक वर्टेक्स, ये कोने है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, बराबर स्टूडेंट्स मालूम पड़ा? अगेन ये एक आर्म्स, सॉरी फॉर दैट, इधर एक, इधर एक, ओके, और ये अपना वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, और ये दोनों के लाइन के बीच में, दोनों जो रे के बीच में जो जगह है, दिस इज कॉल्ड एंगल। ओके, ये अपना एंगल है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल। अगर कोई भी एंगल अगर 90 से कम हो, सपोज मान लो 89 है, तो ये हुआ एक्यूट एंगल, 40 है एक्यूट एंगल, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम ऐसा ले रहा हूँ, 60 है एक्यूट एंगल। लेकिन अगर एंगल 90 से ज़्यादा हुआ, एक डिग्री हुआ, तो ये एक्यूट एंगल नहीं है। कोई भी एंगल 90 से कम होगा वो सब एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर कोई भी एंगल 90 होता है, 90 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, बराबर स्टूडेंट्स याद रखना, बराबर सीधा ऐसे कट करते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, और 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो लिखा ये स्टूडेंट्स, राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में एक राइज होगा स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, अगर 90 से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, बराबर सपोज मान लो ये 91 है, ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, 95 है, ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। जो भी एंगल 90 से ज़्यादा होगा उसको सब क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। उसके बाद अगर एकदम 180 हो तो स्ट्रेट लाइन, 180 हो तो स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स। अगर 180 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ एंगल का। ओके स्टूडेंट्स, सब बेसिक मोस्ट ऑफ कवर अप कर लिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ देखते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।